अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वी स्कूल में आप तमाम का दिली खैर मकदम है। आइए बच्चों, आज मैं आपको चंद मालूमात देना चाहता हूँ। इससे पहले आपने कदीम भारत की बहुत सारी मालूमात हासिल की, उन मालूमात में जैसे कि आपने कदीम भारत में तहजीबी मालूमात हासिल की, उसी तरह कदीम भारत की ज़बान और अदब, इससे भी मुतालिक आप लोगों ने मालूमात हासिल की। उसी तरह उस ज़माने में अवामी ज़िंदगी किस तरह होती है या होती थी, इससे मुतालिक भी आप पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। साइंस को कदीम भारत में क्या मकाम था, उसी तरह तालीम के कौन कौन से मराकज़ हुआ करते थे, कदीम भारत में फ़न तामीर और फ़नून लतीफ़ा की क्या अहमियत थी, इन तमाम नुकात के ताल्लुक से आपने पिछले असबाक में पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, कदीम भारत और दुनिया के ताल्लुकात किस तरह वजूद में आए, वो किस तरह इस्तवार हुए, इससे मुतालिक हम जमा शशुम के सबक नंबर 11 कदीम भारत और दुनिया, इसमें मालूमात हासिल करेंगे कि किस तरह भारतीय तहजीब और दुनिया के दीगर ममालिकों की तहजीबों का आपस में लेन देन हुआ। उसी तरह से इस सबक में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि भारत और मगरबी ममालिक के ताल्लुकात किस तरह कायम हुए, उसी तरह भारत और बड़े आजम एशिया के दीगर ममालिक से ताल्लुकात किस तरह कायम हुए, उसी तरह दुनिया के दीगर ममालिक मसलन चीन, श्रीलंका और अफगानिस्तान की तहजीबी मालूमात भी हम हासिल करेंगे, और साथ ही साथ इन ममालिक के फ़नून लतीफ़ा, मुजस्मा साजी से मुतालिक भी हम मालूमात हासिल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखते हैं सबक नंबर 11 कदीम भारत और दुनिया।